हेलो दोस्तों, लॉयन और हाइनाज की लड़ाई हुई तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? आपके मन में यह सवाल जरूर आया ही होगा, क्योंकि यह दो जानवर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जो एक दूसरे के सामने आ जाए तो एक का खात्मा होना निश्चित है। यह दोनों जानवर आपको अफ्रीका और सहारा के रेगिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। लॉयन और हाइनाज यह दोनों भी ज़्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, क्योंकि यह दोनों ही मांसाहारी है। इसी वजह से यह दोनों एक दूसरे के ज़्यादातर सामने आ जाते हैं। लॉयन और हाइनाज यह दोनों भी एक दूसरे का शिकार छीन लेते हैं, इसी वजह से इनकी आपस में फाइट हो जाती है। इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में लॉयन और हाइनाज की इस फाइट में इन दोनों में से कौन जीतेगा यह बताने वाले हैं। तो आप हमारा यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, लॉयन और हाइनाज यह दोनों जानवर भी झुंड में रहते हैं, जिसमें इनकी संख्या 40 तक होती है। मगर कई बार हाइनाज के झुंड में 100 से ज़्यादा भी हाइनाज देखे गए हैं। मैं आपको बता दूँ, लॉयन्स के झुंड को प्राइड कहते हैं, वही हाइनाज के झुंड को क्लैन कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। साइज, दोस्तों अगर हम साइज की बात करें तो अफ्रीकन लॉयन की लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है जो 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और इनका वजन 200 से लेकर 250 किलो तक हो सकता है। वही एशियाटिक लॉयन की लंबाई 1.7 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकती है, और इनका वजन 170 किलो तक हो सकता है। वही दूसरी तरफ हाइनाज साइज में करीब अफ्रीकन लॉयन के आधे ही होते हैं, जिनकी लंबाई 1.2 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक होती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनका वजन 80 किलोग्राम तक हो सकता है। वही मादा हाइनाज नर हाइनाज से 10% भारी होते हैं। अगर साइज की बात आए तो लॉयन्स हाइनाज को चारों खाने चित कर देते हैं। अटैक, लॉयन्स अपने शिकार के पीछे से जाकर हमला करते हैं। यह अपने बड़े से पंजे से उस शिकार पर हमला करके उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। लॉयन के पास कुल मिलाकर 30 दांत होते हैं, जिनमें से इनके सामने के कैनाइन टीथ 7 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। साथ ही इसके पंजे काफ़ी बड़े और मजबूत होते हैं। शेर की पंजों की लंबाई 3 इंच तक होती है, जो आम इंसान के हाथों से काफ़ी बड़े होते हैं। लॉयन्स अपने इसी बड़े पंजों से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और अपने लंबे दांत शिकार की गर्दन में घुसाकर उसे मार डालते हैं। वही दूसरी तरफ हाइनाज खुद शिकार ना करके दूसरे जानवर का शिकार ही ज़्यादातर चोरा लेते हैं। फिर भी यह कभी कभी अपने झुंड के साथ मिलकर शिकार करने के लिए चली जाती है। यह अपने शिकार को ज़्यादातर थका कर ही मारते हैं। असल में हाइनाज उस शिकार का तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक वह थक कर रुक ना जाए। इन्हें अपने शिकार का पीछा करते हुए 70 किलोमीटर दूर तक जाते हुए भी देखा गया है, और हाइनाज के कैनाइन टीथ 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और इन्हीं की मदद से हाइनाज अपने शिकार को जिंदा ही खाने लगते हैं। स्ट्रेंथ, लॉयन का मुख्य हथियार है उनके दांत और उनके बड़े बड़े पंजे, और यह इन्हीं की मदद से किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। लॉयन अपने शिकार या प्रतिद्वंदी को 650 PSI बाइट फोर्स से काट सकता है, और यह करीब 12 फीट की ऊंचाई तक छलांग मारने की काबिलियत रखता है, और लॉयन एक जंप में लगभग 15 से 25 फीट की दूरी भी आराम से तय कर सकता है, और यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, जो चीते के बाद कैट फैमिली में से सबसे तेज भागने वाला जानवर है। वहीं दूसरी तरफ हाइनाज का बाइट फोर्स लॉयन से ज़्यादा है, जो अपने शिकार को या प्रतिद्वंदी को 1100 PSI बाइट फोर्स से काट सकता है, और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। डिफेंस, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, शेर झुंड में रहते हैं, इसलिए इन्हें अपने झुंड की रक्षा करने के लिए बाहरी शेरों से मुकाबला करना पड़ता है। सिर्फ यह नहीं बल्कि अपने किए गए शिकार को भी सही सलामत रखने के लिए और जानवरों से मुकाबला करना पड़ता है, तब वे अपने बड़े बड़े पंजों का और अपने लंबे दांतों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाइनाज खाने के लिए दूसरे जानवरों से उनका शिकार छीन लेते हैं, मगर तब यह शिकार छीनना इतना भी आसान नहीं होता है। सामने वाला जानवर हाइनाज पर अपने पंजों से और दांतों से हमला करके उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है, मगर हाइनाज अपने बाइट फोर्स से इन्हें भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। फाइट, दोस्तों लॉयन और हाइनाज इन दोनों की फाइट आपको जंगलों में हमेशा ही देखने को मिलेगी। यह फाइट्स ज़्यादातर खाने के कारण ही होती है, मगर लॉयन और हाइनाज ये दोनों जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, जो एक दूसरे के छोटे बच्चों को देखने के बाद तुरंत ही मार डालते हैं, क्योंकि भविष्य में इन्हें अपना अपोनेंट ना मिले। दोस्तों, पिछले कुछ पॉइंट से आप सभी को ही पता चल गया होगा कि शेर कितने ताकतवर होते हैं, कितने तेज होते हैं और कितने वजनी होते हैं। वही दूसरी तरफ हाइनाज सिर्फ अपने 1100 PSI बाइट फोर्स से ही शेर से आगे है। फिर भी इन दोनों की लड़ाई हुई तो शेर के ही ज़्यादा चांसेस है यह फाइट जीतने की, क्योंकि शेर की गले के चारों तरफ घने बालों का गुच्छा होता है, जिसे हम आयल कहते हैं। इसी वजह से हाइनाज शेर की गर्दन को अपने मुंह में पकड़ नहीं सकते है। फिर क्या, इनकी 1100 PSI बाइट फोर्स की ताकत धरे की धरे ही रह जाएगी। वही दूसरी तरफ लॉयन्स अपने बड़े बड़े पंजों से उन्हें पकड़कर एक बार में ही उनके गले पर काटकर उनका काम खत्म कर देंगे, और इस लड़ाई को लॉयन्स जीत लेंगे। दोस्तों, एक और बात, अगर 10 से 15 हाइनाज मिलकर एक या दो लॉयन्स पर हमला कर दे तो इस लड़ाई में शायद हाइनाज की जीत होगी। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस लड़ाई में 10 में से 9 बार लॉयन्स की ही जीत होगी। और साथ ही आपको ऐसे ही एनिमल्स कंपेरिजन वाली वीडियोज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।